त्योहारों का सीजन शुरू हो गया है। आज मैं आपको बनारस की एक स्पेशल डिश मोटे पूड़े, जिसे आप मसालेदार बेसन भरी मटरे भी कह सकते हैं, उसके लिए हमें चाहिए बेसन, मैदा, अजवाइन, जीरा, हींग, लाल मिर्ची पाउडर, रिफाइंड तेल और नमक। इसे बनाना कैसे मैं आपको बता रही हूँ। चलिए, एक हम गहरी प्लेट, थाली या बॉल कुछ भी लीजिए, जिस कटोरी से हम बेसन लेते हैं सेम उतनी कटोरी का नाप हमें मैदे का भी होना चाहिए। छोटी कटोरी आप देख रहे हैं, छोटी कटोरी है, मैदा है, उसी छोटी कटोरी में मैंने बेसन लिया। ये लगभग 200 ग्राम बेसन होगा। इसे आप इस भाई दूज में या अन्नकूट पे बनाइएगा, बहुत टेस्टी लगती है। इसे आप स्टोर करके भी महीने से डेढ़ महीने रख सकते हैं। अब इसके मसाले पहले हम तैयार करेंगे। मसाले के लिए हम एक मिक्सी का जार लेंगे, उसमें हम देखिए इस चम्मच से एक छोटा चम्मच अजवाइन लेंगे, एक छोटा चम्मच ही हमको जीरा लेना है, जितनी अजवाइन उतना ही जीरा, और ये एक छोटी डली हींग की है। यदि आपके पास पिसी हुई हींग है तो आप इस चम्मच से आधा चम्मच आप हींग डालेंगे, और इसे एक साथ मिलाकर थोड़ा सा पानी डालकर, देखा, थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा पानी डालकर इसको हम पीस लेंगे। बिल्कुल चिकना हमें नहीं करना है। देखिए मसाला इस तरह से पीस गया है, इन तो बहुत चिकना भी नहीं हुआ है और बहुत खड़ा भी नहीं है, सर दरदरा होना चाहिए। इसमें हम डालेंगे पहले नमक। इतने मैदे और बेसन में आपकी 10 से 12 मटरी बनकर तैयार होगी। ये मैं आधा छोटा चम्मच नमक डालेंगे, आप अपने टेस्ट अनुसार नमक डालिएगा। अब इसमें हम डालेंगे रिफाइंड ऑयल, रिफाइंड ऑयल हम डालेंगे एक बड़ा चम्मच। इसमें बेसन में थोड़ा सा तेल की मात्रा ज़्यादा रहती है, मैं आपको बतलाती हूँ कैसे इस बेसन को तैयार करना है। थोड़ा थोड़ा तेल करके डालेंगे और मिलाते जाएंगे, एक साथ तेल भी नहीं डाल देंगे, थोड़ा थोड़ा तेल डाल रहे हैं और बेसन में मिलाते जा रहे हैं। देखिए पूरा एक चम्मच मैंने बेसन में तेल डाल दिया है। अब इसमें हम डाल देंगे लाल मिर्ची पाउडर, ये भी वही छोटे चम्मच से जो मैंने आपको एक चम्मच दिखलाया था उसी के नाप से मैंने लाल मिर्ची पाउडर डाला है। लड्डू बनना चाहिए बेसन में, इसके तेल की मात्रा इसमें थोड़ा ज्यादा रहती है। और ये जो मसाला मैंने पीसा है वो इसमें डालकर गूंथ देंगे। इसे ऐसे समेट कर ऐसे रख देंगे। देखिए बेसन का डो बिल्कुल हमको इस तरह से तैयार करना है। फिर हाथ में देखिए, जब हम लड्डू बांधते हैं तो हाथ में से तेल आता है, वैसे आ रहा है। अब इसको हम एक बाउल में रख देंगे। देखिए बेसन को एक कटोरी में रखकर मैंने ढक दिया है। अब हम मैदे की तैयारी करते हैं। मैदे के लिए भी हम थोड़ा नमक डालेंगे, नमक थोड़ा कम ही डालिएगा क्योंकि बेसन में भी थोड़ा हुआ है। मैं एकदम छोटा चम्मच देखा है, आधा चम्मच से भी कम नमक डाली हूँ, आप अपने टेस्ट अनुसार नमक डालिएगा। और इसमें हम डालेंगे रिफाइंड ऑयल, उसमें मैंने एक बड़े चम्मच भर कर डाला था, इसमें केवल हम एक चौथाई चम्मच है, देख रिफाइंड ऑयल डालेंगे। इसमें तेल मिला लिया है और इसका मोइन ऐसे रहेगा, ऐसे हाथ में उठाएंगे ऐसे करें तो ये टूटने लगे, पूरा लड्डू जैसा नहीं बनना चाहिए। और इसमें भी हम चम्मच से ही पानी डालेंगे, नहीं तो पानी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। क्योंकि मैंने एक चम्मच पानी लिया है, बहुत थोड़ा थोड़ा पानी करके इसका डो तैयार करेंगे। देख रहे हैं
मठरी से, जैसे आप मठरी का मैदा गूंथते हैं उससे थोड़ा सा इसका मैदा मुलायम होता है। या तो समझ लीजिए पूड़ी जैसे उतारते हैं तो आटा जैसे मारते हैं इसका, बिल्कुल उसी तरह का इसका मैदे का डूब हमको लगाना है। पूरा एक बड़े चम्मच पानी इसमें लग गया है। देखिए मैदा भी अच्छी तरह गूंथ लिया है और ऐसे हाथ से ऐसे कर करके आप खींच खींच के तोड़ लीजिए। ऐसे करने से क्या होता है, हम कोई भी मठरी या मोटी पूड़ी जो भी बनाते हैं बहुत खस्ता बनती है। ठीक है, फिर ऐसे हाथ से ऐसे मसल लीजिए 2 से 3 मिनट। देखिए ऐसे लंबाई में फैलाइए। दो हिस्से करिए, फिर इसे पतला करिए हाथ से, और इसकी जितनी बड़ी भी आपको मसाले वाली मठरी बनवानी है उतनी बड़ी लोई तोड़ ली जाए। मैं भी आपको 5 से 6 लोई तोड़कर भरकर बतलाती हूँ। बेसन को भी हम प्लेट रखा के देखते हैं, देखिए कितना अच्छा इसका बेसन कलर आया है। इसके लिए क्या करेंगे, चटनी लेंगे, हमने जो मैदे की लोई बनाई है उसको गोल पेड़े की तरह बना लेंगे। तब तक हम गैस पर तेल गरम करने के लिए रख दिए हैं, तेल भी गरम हो रहा है। गैस की आंच को हम मध्यम में रखे हैं, एक तरह के हमने लोई बनाई। जितनी बड़ी हम मैदे की लोई बनाए हैं उतनी हम बेसन की भी तोड़ लेंगे। बनी हुई लोई को छोटा छोटा देखना तो छोटा सा बेल लेंगे। सभी लोइयों को इस तरह हम बेल कर तैयार करेंगे। पहले हाथ से गोल करके इसके बीच भर देंगे और इसे चारों तरफ से दबा के बंद कर देंगे। ऐसे भी हल्के हाथ से गोल घुमाते हुए दबा कर ऐसे लोई चिपका देंगे। सभी लोई को हम भर कर इसे तैयार कर लेंगे। इसे हम बेलेंगे, बेलना भी हमें बहुत हल्के हाथ से, गुत्ते जोर लगा के बेल देंगे तो बेसन बाहर आ जाएगा। बहुत छोटा छोटा बेलना है तो बहुत बड़ा नहीं करना है। एक कांटे से इसके दोनों तरफ हम छेद कर देंगे, 5 5 6 6 चारों तरफ हमें घुमाकर इस तरह से छेद करते रहना है। देखते हैं तेल गर्म हुआ है कि नहीं, लग रहा तेल भी गर्म हो चुका है। एक छोटे से मैदे के डालकर देखते हैं, तेल बिल्कुल अच्छी तरह गर्म हो गया है। अब गैस को हम बिल्कुल धीमा कर देंगे और इसमें हम ये बनी हुई मोटी पूड़ी को डालेंगे।
पानी से चलाएंगे। जैसे ही मिट्टी ऊपर आएगी तो हम गैस की आँच को थोड़ा सा तेज कर देंगे, ना तो बहुत स्लो रहेगी और ना ही बहुत तेज, मीडियम आँच में ही धीरे धीरे दोनों तरफ से हमको सुनहरा होने का बिल्कुल तलना है। इसको तलने में लगभग 6 से 7 मिनट का टाइम लगेगा। देखिए ये ऊपर आ गई है मच्छी तेल से, और इसे हम एक एक करके ऐसे पलटते हैं। इसी तरह हमको अलग पलट कर दोनों तरफ से सुनहरा होने तक चलना है। देखिए आपको दिखा रही हूँ कितनी अच्छा इसका कलर आया है, और ये दोनों तरफ से एक तरह के सिकुड़ गए। अच्छा अच्छा मिर्ची ऐसे छलनी करके साइड में करेंगे ताकि इसका अतिरिक्त तेल निकल जाए, और इसे निकालेंगे। गैस को बंद कर देते हैं। अब इसे इसके हाथ से हम प्लेटिंग करेंगे, एक प्लेट लेंगे और इसमें इसको रखेंगे। ये अभी बहुत ज़्यादा गर्म है, इसमें हाथ में पकड़ने में दिक्कत हो रही है। धीरे धीरे आप मसालेदार बेसन भरी मछली बनकर तैयार है, इसे आप बनाइए भाई दूज पे और मुझे बतलाइए आपको कैसा लगा। आप मेरे वीडियो को लाइक, चैनल को लाइक कीजिए और वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए मैं आपको एक तोड़ के दिखलाती हूँ कि कितनी मछली, कितनी खस्ता करारी बनी है। देखिए ये अच्छी बनी है।